फ्रेंड्स, मैं आशीष, आप जानते हैं अरु फाउंडेशन बनारस से। भाई गुड न्यूज़ तो मिल गई होगी आप लोग को, इस सम का भाई पेमेंट आ गया, 1,000 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। और जिनका भी नहीं आया है पेशेंस रखें, उनका भी बड़ा जल्द पेमेंट आएगा। कहीं किसी को डाउट है, जिन्होंने पहले बनवा लिया और शुरुआती दौर में जिन्होंने इस सम बनवाए थे, अगर उन्हें लग रहा हो कि भाई उनकी पेमेंट किसी कारणवश नहीं आ सकती, जैसे अकाउंट नंबर की प्रॉब्लम की वजह से या नाम की प्रॉब्लम की वजह से, होता क्या है कि आपने आधार पे आपका नाम जो है वो बैंक अकाउंट से मैच करवाया जाता है, अगर वो सही नहीं लिखा होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे केसेस भी होंगे। तो ध्यान दें IFSC कोड, क्योंकि कुछ बैंकों का चेंज हो गया था, जैसे काशी गोमती ग्रामीण बैंक के जो IFSC कोड थे वो उसी दौरान चेंज हुए थे जो बड़ौदा ग्रामीण बैंक हुए हैं, UP बड़ौदा ग्रामीण बैंक हुए, उनके IFSC कोड हुए थे। शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों ने क्या किया था, पुराने वाले ही उसमें नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच का IFSC कोड डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग गाँव से गाँव जा के बना रहे थे ईश्रम कार्ड और उसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी मोबाइल नंबर को यूज़ करते हुए आप ईसम की साइट पे जाके एडिट का ऑप्शन चूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो एक बार बैंक पासबुक से और आधार कार्ड के नाम से मैच करवा के देखिए कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तब भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो। और मोबाइल नंबर देख लीजिएगा कि आप ही का है कि किसी और का है। ये जिन्होंने पहले स्टार्ट में बनवाया था वो दिसंबर तक का डाटा लिया गया है इसमें, तो बाकी की किस्तें अभी आएगी, कुछ दिन बाद आएगी। और चुनाव का माहौल है, आप जानते हैं, पेमेंट आएगी, निश्चिंत रहिए। और आप जल्दी ही पेमेंट आपके खाते में आएगी, और सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाइए। और जितने भी लोग हैं उनसे भी मेरा हार्दिक निवेदन है, जाके अभी भी अगर आपका श्रम कार्ड नहीं बना है तो श्रम कार्ड बनाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उस पर व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, मुझे यहाँ काफ़ी काम होता है, समय निकाल के मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, जो भी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी करूँगा। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, ये आप शेयर करिएगा, मैं आपको जो भी हेल्प हो पाएगी वो मैं पक्का करूँगा। अरु फाउंडेशन आपके लिए हमेशा तत्पर है इस चीज़ के लिए, और पेशेंस रखिएगा, आपकी किस्त जल्दी आएगी। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तब आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको 100% सहयोग करूँगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द ही जल्द करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।